भारत में अपने बल्ले की चमक बिखेरने के बाद रिंकू सिंह ने साउथ अफ्रीका की धरती पर भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी का ट्रेलर दिखाया है। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 30 गेंदों पर अर्धशतक ठोका। रिंकू सिंह ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर अहम साझेदारी भी निभाई। रिंकू सिंह जब बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे तो भारतीय टीम 55 के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर पहले टीम इंडिया की पारी को बखूबी अंदाज में संभाला और चौथे विकेट के लिए 70 रन जोड़े। रिंकू ने अपनी पारी की शुरुआत धीमे अंदाज में की, लेकिन क्रीज पर सेट होने के बाद भारतीय बल्लेबाज ने जमकर धमाल मचाया। रिंकू ने महज 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रिंकू के बल्ले से निकला यह पहला अर्धशतक भी है। रिंकू ने अपनी इस पारी के दौरान 9 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए।